हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप सूजी लिया है, आधा कप चावल का आटा, दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। आधा कप हमने दही लिया है, थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने सूजी को जो घोल लिया है दही और पानी डाल के, इसमें आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, हरी मिर्च। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम सरसों तेल लिया है कलछी में, 1 चम्मच सरसों लिया है। अब इसमें डालेंगे हम कढ़ी पत्ता। इसका तड़का जो है ये बेटर में डाल देंगे, सूजी का, जो सूजी का बेटर रखे थे इसमें डाल के हम ऊपर से धनिया पत्ता डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, जो सूजी है हमारा अच्छे से फूल चुका है। तो यहाँ पर हमने अप्पे बनाने वाला बर्तन लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल के अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे सूजी का बेटर 1 चम्मच। इस तरह से हम सभी बेटर को 1 चम्मच करके हम डाल रहे हैं। अब इसे ढक के हम 2-3 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो ये देखिए, 2-3 मिनट बाद जो अप्पे है वो अच्छे से फूल चुका है। तब इसे पलट देंगे। पलट के हम 1 मिनट तक सेक लेंगे। थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे ऊपर से। उसके बाद हमारा ये जो अप्पे है बन के रेडी हो गया है। आप इसे सुबह सुबह नाश्ता करें या बच्चे लोग के टिफिन में दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार होता है।